चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन रीड करो। क्वेश्चन क्या कर रहा है? अ बल्ब ऑफ 60 वोल्ट एंड 10 वोल्ट इज कनेक्टेड विद 100 वोल्ट ऑफ एसी सोर्स विद एन इंडक्टेंस कॉइल इन सीरीज। इफ द बल्ब इल्यूमिनेट्स विद इट्स फुल इंटेंसिटी देन द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस कॉइल इज एक्सएल की वैल्यू। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, एक बल्ब बनाना है। बल्ब मतलब रेजिस्टर, ये सर्किट में बना दिया इंडक्टर भी और एसी का सोर्स हमने बना लिया। ये रेजिस्टर है, ये इंडक्टर है। एसी के सोर्स का पोटेंशियल कितना है, 100 वोल्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू इज इक्वल टू है 60 हर्ट्ज और ये वोल्टेज है वी नेट की वैल्यू 100 वोल्ट है। रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी आर इज इक्वल टू कितना है, 60 वोल्ट। ठीक है, करेक्ट है। तो इंडक्टर के अक्रॉस क्या होता है, वी एल होता है जनरली। ठीक है, तो इंडक्टर के अक्रॉस रेजिस्टर है 60, रेजिस्टर के अक्रॉस है 60 वोल्ट। ठीक है, और वी नेट है 100 वोल्ट। तो अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं, वी नेट का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। ये हो जाएगा 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू वी आर होगा 60 का स्क्वायर प्लस वी एल का स्क्वायर, यानी वी एल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर माइनस 60 स्क्वायर। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो वी एल की वैल्यू आएगी 80 वोल्ट। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट चीज है कि वी आर इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है। सो आई इज इक्वल टू क्या होगा, वी आर अपॉन आर। वी आर की वैल्यू ऑलरेडी 60 दी हुई है, आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अगर करंट निकालना है तो आर चाहिए हमें। तो आर का कैलकुलेशन किया जाता है, पावर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई पी। सो आर इज इक्वल टू वी की वैल्यू होगी 60 का स्क्वायर डिवाइडेड पावर कितना होगा, 10। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, अगर सॉल्व करें 3600 डिवाइडेड बाई 10, 0 से 0 कटा, रजिस्टर की वैल्यू आ गई 360 ओम आ गई। करेक्ट है, ये रजिस्टर की वैल्यू, ये वैल्यू यहां रख दें 360, तो करंट की वैल्यू निकल आएगी 1/6 एम्पियर होगा। अच्छा, अब वी एल इज इक्वल टू आई एक्सएल होगा और एक्सएल की वैल्यू क्या होती है, एल ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π ν। तो अगर मैं इसका इस्तेमाल करूं यहां पर, तो वी एल इज इक्वल टू आई इंटू एल 2π ν। एल की वैल्यू क्या होगी, एल की वैल्यू होगी वी एल अपॉन 2π ν इंटू आई। तो L इज इक्वल टू वी एल की वैल्यू है 80 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी 60, करंट की वैल्यू है 1/6, तो ये 10 हो जाएगा। तो इंडक्टर की वैल्यू मैं यहां लिख दे रहा हूं, L इज इक्वल टू 80 अपॉन 6.28 इंटू, ये 10 टाइम कट जाएगा, इंटू 10, ये 0 से 0 कटा, 8 अपॉन 6.28। ठीक है, अगर मैं यहाँ कैलकुलेटर का इस्तेमाल करूं, कैलकुलेटर 8 डिवाइडेड बाई 6.28 सॉल्व करेंगे आएगा 1.27। ठीक है, 27 पूरा है एग्जैक्टली 27388। तो L इंडक्टर की वैल्यू आ जाएगी 1.28 के आसपास आएगी, अगर ध्यान से देखें तो 1.28 के आसपास ये ऑप्शन है, ऑप्शन ए ज्यादा अप्रोप्रिएट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।